हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो कैसी हो रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर कैसी हो रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? टेंटेटिव डेट शीट आउट हो चुकी है जून वालों के लिए, दिसंबर वालों के लिए टाइम डेफिनेटली कम है, क्योंकि सर 2-3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी ऐसा हम सब सोच के बैठे हुए, बट एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट डिस्कस करते हैं आज की क्लास, दैट इज इट्स ऑल अबाउट MEG1 ब्रिटिश पोएट्री। सर वो क्वेश्चन जिनको करने के बाद ब्रिटिश पोएट्री ऑन टिप हो जाएगी, क्या हमने पोएट्री पूरी पढ़ लेनी है इस क्लास के बाद, या इन क्वेश्चंस को करने के बाद, सीरियसली इन क्वेश्चंस को करने के बाद क्या हम पूरी तरह से इस जून अटेम्प्ट के जो पेपर है उसको क्रैक कर लेंगे? तो यस गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस जस्ट नीड टू डील दीज ऑलमोस्ट 26 or 27 क्वेश्चंस। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो करना अलॉन्ग विद दोज हु हैव द नोट्स टू कंप्लीट RTC डिटेल नोट्स, फिर तो गाइस कुछ चाहिए नहीं। वी आर गोइंग टू क्रैक लीस्ट रिलीज 70 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे करेंगे, क्या टेक्टिक्स होगी जिसको फॉलो करना जरूरी, ये सारी बातें हम करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ अपने वीडियोज में यार, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स और कुछ पोएट्स मैं आपको बता चुका था जो आपको करने, दैट मीन्स यू नीड नॉट डू एवरीथिंग, गो सिलेक्टिव। अगर सिलेक्टिव पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे मार्क्स देके आराम से पास हो जाएंगे विदाउट डूइंग अ हार्ड वर्क। तो यहां से शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप पहुंची। आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। यस, आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑन बोर्ड, बट मैं चाहूंगा कि आप लिख लें साथ में, बेटर रहेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेल सोर्स ऑफ चौसर वोकैबुलरी। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, दैट इज Chaucer use of vocabulary, that is really important. इसको आपने on tip कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूरा बताएंगे, that is something very very important. मतलब आपको ये चीज on tip पहुंची है, कैसे करेंगे, क्या होंगे, ये है basics जो हमें आने चाहिए। तो पहला आ गया Chaucer use of vocabulary, अभी vocabulary काम कैसे करती है, किन चीज लेती है, and how does each source contribute to his poetry, ये सारे sources की poetry में कैसे contribute करते हैं, ये भी important है। Come to the second question, What individualist, I repeat, what individualized characters, इसको थोड़ा वेट करेंगे हम। So the next part is what individualized the portrait of characters in general prologue. अब ये important question है, इसको clear करना कि मैंने कहा सर कितने portrait of characters हैं जिनको highlight करना है। तो question होगा what individualizes the portrait of the characters in the prologue to Canterbury Tales. तो here we are having the second part, that is prologue to the characters. Prologue to the characters. दो तीन चीजें हमें ऑन टिप पहुंची हैं कि चीजें कैसे हैं, समझे कैसे, किन बेसिक्स को आपने दिमाग में रखना है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रियली वॉन्ट कि आप लोग आराम से कर पाए। कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज डिस्कस Chaucer हैंडलिंग ऑफ द फैबल। ये इंपॉर्टेंट है, हैंडलिंग ऑफ फैबल। सही फैबल कौन सा था, 20 फैबल का था, द नन प्रीस्ट। So here we are having handling of fable. अबे fable का मतलब आपको पता है, this is NPT, non priest tale. तो तीन टॉपिक्स हमने Chaucer से सबसे पहले ले लिए, जो तीनों के तीनों आपको on tip पहुंची, तो ये तो हो गए first three जो important है हमें आने भी चाहिए। And now we come to the next one. सर स्पेंसर से एक क्वेश्चन कंफर्म अगर आप कर लेते हो तो आपकी सारी दिक्कत खत्म, दैट इज कमेंट और कंपेयर। आई रिपीट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन। तो शायद बताने की जरूरत नहीं थी। तो हमने कहा ये तो हो गया Chaucer का पार्ट, अब आ गए हम स्पेंसर पे। इन दो को अलग से मेंशन करेंगे, बाकी सबको जंप कर देंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है स्पेंसर से, दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एपिथेमेलियन एंड द प्रोथेमेलियन, दोनों को ऑन टिप कर लेना, एपिथेमेलियन को प्रोथेमेलियन को भी। एंड दोज हु कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल,
गाइस नीड नॉट टू वरी, ये सारे के सारे जो मैं लिख रहा हूँ इन सबकी वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर एग्जिस्ट कर रही है, आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्ले लिस्ट में जाना है और ये सारी वीडियोज देख लेनी। एंड दोज़ आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स, ताकि वो भी लेके आए 70-80 मार्क्स, और पीछे नंबर दिया गया है एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे फॉर नोट्स फर्स्ट। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, अब बारी आती है बाकी क्वेश्चन की। सर वो सारे के सारे लगातार आने वाले हैं, क्योंकि अब मैं ब्लॉक को छोड़ के सीधा आता हूँ मेन पॉइंट्स के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट है कैसे करना है उसको ध्यान रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस मैक फ्लेक्नो एज अ मॉक हीरोइक पॉइंट। अगर पेपर ऐसे टाइप आता है जिसके चांसेस इस बार सिर्फ 30% है, लेकिन अगर वो आता है तो ये क्वेश्चन 100% होगा। तो आपने बोला डिस्कस मैक फ्लेक्नो एज अ मॉक हीरोइक पॉइंट, तो यहां पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज डिस्कस मैक फ्लेक्नो एज अ मॉक हीरोइक पॉइंट। अब फिर भी दिमाग में सर इनके आंसर ना मिलेंगे, सब के सब आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स में सारे आंसर दिए हैं, वहां से आप आंसर दे सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चन सर, अभी हुए कुछ 5 या 6 क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कमेंट ऑन सैमुअल जॉनसन ओपिनियन। इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग लिखेंगे, मैं बोर्ड पर शेयर नहीं कर रहा। कमेंट ऑन सैमुअल जॉनसन ओपिनियन अबाउट ड्राइडन कॉम्पोजिशन आर इफेक्ट्स ऑफ द वायरलेस जीनियस। Repeat, I really want you guys to write down this. Can I comment on the Samuel Johnson's opinion about Dryden's compositions are the effect of virus genius operating upon large materials? So, a question confirm hai, paper mein aane ke chances hai, agar wo essay type hota hai to. I'm repeating the question, listen carefully. Comment on Samuel Johnson's opinion about Dryden's compositions are the effects of virus genius operating upon large materials. Come to the next question, that is assess Alexander Pope an epistle to Dr. Arbuthnot, a piece of satire. I repeat, assess Alexander Pope's an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. आपने कहा सर ये हो गया हमारे almost 8 questions, अब ये 8 questions अगर मैं कर लेता हूँ then I need not do anything else, तो इनको ध्यान रखना, ये important है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो आई होप कि आपने अभी तक लिख लिया, जिन्होंने लिखा प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस ताकि हम आगे बढ़े। सो टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब याद रखना इन क्वेश्चंस में जो जो पोएट्रीज के नाम मेंशन कर रहा हूं उनको ऑन टिक कर लेना, वो भी आपके बहुत काम आने वाली है। द नेक्स्ट वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस कुबला खान एज एन एलेगोरिकल पॉइंट। एलेगोरिकल पॉइंट क्या होती है, एलेगोरिकल पॉइंट इसके लिए वीडियो में डाली हुई, आप प्लीज उसको देखें। हियर आई रिपीट, तो रोमांटिक्स में से हमारे पास कुबला खान एज एन एलोगोरिकल पॉइंट, इसको ऑन टिप कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाले गाइस, मेक श्योर ये आप हर हाल में कर लेंगे। देन कम टू नेक्स्ट वन, justify the subtitle of the prelude, justify the subtitle the prelude, I hope aap sabne poetry on tip ki hui hai, the work of William Wordsworth as growth of poets माइंड। तो ये दो क्वेश्चन दोनों मेंटिक्स से और दोनों ही मोस्ट एक्सपेक्टेड है, अगर ये दोनों कर लिए तो पक्का पेपर में आएगा एक क्वेश्चन, वेदर इस आरटीसी तो भी इनमें से एक आरटीसी कंफर्म है। कम टू नेक्स्ट वन, डिस्कस ब्रीफली शेले एज अ रोमांटिक, रोमांटिक पोएट। शेले रोमांटिक पोएट निकलेंगे जरूर, नहीं आपको पता पेपर में आने चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्रिटिकली कमेंट ऑन द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ एज एन इनकम्प्लीट पॉइंट इन ट्रिप्लेक्स, The Tenth of Life, या पेपर के पॉइंट से अगर आरटीसी की बात करता हूं तो भी The Tenth of Life कंफर्म पेपर में आती है।
आरटीसी आनी ही आनी है, तो 10.5 को ऑन टिप करके चलना आपने। यह क्वेश्चन था क्रिटिकली कमेंट ऑन द 10th of life एज एन इनकम्प्लीट पॉइंट ट्रिप्लेक्स। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ हाइपेरियन, द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ हाइपेरियन। पेपर में आने के चांसेस होते हैं, हाइपेरियन को लोग छोड़ देते हैं, यार हाइपेरियन पेपर में नहीं आती, आर्टिस्टिंग नहीं आती, लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है तो कंफर्म हाइपेरियन होती है। नेक्स्ट वन, डिस्कस एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट एज सेल्फ डेमेटाइज। डिस्कस एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट पोप्स नाउ एज अ सेल्फ डेमेटाइज इन द पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में आनी चाहिए गाइस। जंप नेक्स्ट वन, क्रिटिकली कमेंट ईदर ऑन पोफेल अवर, आई रिपीट, क्रिटिकली कमेंट ईदर ऑन पोफेल अवर और द चाइल्ड रोनॉल्ड टू द डार्क टॉवर, ईदर द पोफेल अवर और चाइल्ड रोनॉल्ड टू द डार्क टॉवर। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 15 to 16 हो चुके हैं, ये आपको ऑन टिप हो जाना चाहिए। लिखने वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा, क्रिटिकली कमेंट ऑन द ब्लेस्ड डैमेजल। क्रिटिकल कमेंट में हमारे पास चार पॉइंट्स हो चुके हैं जिसको मैंने बोला, हाइपेरियन थी हमारे पास, देन तो लाइट थी, देन विल कम टू नेक्स्ट वन दैट इज द पोफेल अवर चाइल्ड रॉन टू डॉक्टर वन एपिस्टल डॉक्टर आर्बनॉट एंड देन द ब्लेस्ड डैमेजल। अभी जो पॉइंट्स के नाम मैंने बोले ना गाइस, इनको लिख लेना कि पेपर में कम से कम 3 आपको मिलेंगे 100%। कम टू नेक्स्ट वन, क्रिटिकली इवैल्यूएट लिसिडस एज एन एलगी। एलगी क्या होती है, एलिगी कब लिखी जाती है, क्या रीजन होता है, क्या कुछ दुखी होता है, शॉर्ट ऑफ मतलब अ सैड मोशन वाज बीइंग देयर, वो लिखता है उसकी याद में ना मेमोरीज ऑफ सामन, इंपॉर्टेंट है। कम नेक्स्ट वन, क्रिटिकली एनालिसिस द पॉइंट सेलिंग टू बेंजामिन। सेलिंग टू बेंजामिन सर कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 8, 8 को मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में डाला है, इन 8 में से 5 कंफर्म पेपर में होंगी अगर वो आरटीसी होता पूरा तो। नेक्स्ट, व्हाट द थंडर सेड, सर ये वो आ गया जो 100% पेपर होता है, दैट्स द वेस्टलैंड। व्हाट द थंडर सेड इन द वेस्टलैंड इज नॉट ओनली इट्स बेस्ट पार्ट बट जस्टिफाई द होल पॉइंट, या जस्टिफाई द होल पॉइंट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव रीजंस। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट द थंडर सेड इन द वेस्टलैंड इज नॉट ओनली इट्स बेस्ट पार्ट बट जस्टिफाई द होल पॉइंट, कमेंट। नेक्स्ट वन, डिस्कस द टाइटल ऑफ द पॉइंट द वेस्टलैंड। तो मैंने कहा इसको तो लिखना जरूरी है, कंफर्म पेपर मिलेगी आपको द वेस्टलैंड। कम टू नेक्स्ट, कमेंट ऑन द थीम्स एंड द आर्ट ऑफ द पॉइंट द वेस्टलैंड, सेम कमेंट ऑन द यूज ऑफ मिथ इमेजिनरी एंड सिंबलिज्म इन वेस्टलैंड। एंड देन वी आर हैविंग द लास्ट 3 क्वेश्चंस, राइट अ क्रिटिकल अप्रेजल। इन तीनों की वीडियो जरूर देखना जो बोलने वाला हूं, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ईदर चर्च गोइंग और द विट्सन वेडिंग। यस, चर्च गोइंग और अ विट्सन वेडिंग, इनमें से एक की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी, तो चर्च गोइंग और विट्सन वेडिंग दोनों ऑन टिप होनी चाहिए हमारे पास। देन वी विल हैव द नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द थीम एंड डेथ इन सोसाइटी इन पोएट्री ऑफ सिल्विया प्लेथ। सर पोएट्री का नाम तो पता होना चाहिए ना, यस यू रिमेंबर दैट्स डैडी, आई रिपीट, डैडी बाय सिल्विया प्लेथ। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, comment on the themes of death and suicide in the poetry of Sylvia Plath. Last question, examine Dallin Thomas the use of images. Say question paper hai confirm aata hai baar baar repeat hota hai to hame aana chahiye hamari preparation honi chahiye. Ab reh gaya sir tips kya honge, kaise taiyari shuru karenge, ye to sirf MEG 1 ke liye. Now from MEG 2 to MEG 16 sari videos milengi to uski preparation ke liye shuru ho jaogi. Koi doubt hota hai to comment box aapke liye. Till then, keep watching, guys.